हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में कुकिंग विद शालिनी। गणेश चतुर्थी आ रही है और अगर गणेश जी को खुश करना है तो मोदक तो घर पे बनाने ही पड़ेंगे। चलिए बनाते हैं आज बढ़िया से मोदक जो कि फटाफट बन जाएंगे। शुरू करते हैं रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपने मोदक। हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया। सबसे पहले तो हम बादाम और पिस्ता लेंगे। ये हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको हमने छोटा छोटा काट लिया है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए हल्की फ्लेम में ड्राई रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ हल्की फ्लेम में 1-2 मिनट के लिए। तो लगातार लाते हुए हमने 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है हल्की फ्लेम में। इसको अब निकाल देते हैं। तो ड्राई फ्रूट हमने निकाल लिया है। अब हम उसी कढ़ाई में जो है 1/2 कप नारियल का बुरादा डालेंगे। इसको ज़्यादा नहीं, हल्के फ्लेम में 1 मिनट के लिए जो है रोस्ट करेंगे। हमने इसका कलर चेंज नहीं होने देना है, सिर्फ हल्का सा इसकी नमी को दूर करना है। सिर्फ हल्का सा हम इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए लगातार हिलाते हुए इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। 1 मिनट हो चुका है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप मिल्क पाउडर। इसको हिलाएंगे और इसमें डालेंगे हम दूध। ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम दूध डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल लेते हैं इसमें। प्याज के अपने बिल्कुल हल्का रखेंगे। लगातार हिलाएंगे इसको। इसके साथ ही थोड़ा सा दूध इसमें और डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा। तो कुल मिला के जो है हमने इसमें 1/2 कप दूध डाल लिया है। इसमें अब हम डाल देंगे चीनी। हम इसमें चीनी डालेंगे क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, तो चीनी हिसाब से डालेंगे। 3 चम्मच जो है मिर्चे इसमें मैंने चीनी के डाल लिए हैं। 3 चम्मच चीनी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, तकरीबन इसमें 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। चीनी डालने के बाद थोड़ा सा पतला होने लगेगा। हमने इसको बाइंडिंग कंसिस्टेंसी तक लेकर आना है और तब तक हमने इसको हिलाना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का रखेंगे। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी जो है हमारा थिक हो गया है, जमने वाली कंसिस्टेंसी पे आ गया। देख सकते हैं किस तरह पैन छोड़ दिया इसने। इसको निकाल लेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो लीजिए, ये हमने बैटर जो बनाया है ये थोड़ा हल्का ठंडा हो गया है। अब हम लेंगे ड्राई फ्रूट। ये ड्राई फ्रूट हमने जो ड्राई रोस्ट करके रखे हैं इसमें 1 चम्मच इस बैटर का डाल देंगे। इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। केसरी कलर हमने इसमें मिक्स कर दिया। अब इसमें हम 1/2 चम्मच जो है चीनी का पाउडर मिक्स करेंगे। ये शुगर पाउडर हमने घर पे बनाया है मिक्सी के जार में डाल के। आप चाहे तो रेडीमेड ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको घर में बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हम बनाना शुरू करते हैं मोदक। ये हमारे पास मोदक मोल्ड है, इसको खोल लेंगे पहले और इसको जो है थोड़ा सा देसी घी के साथ ग्रीस कर लेंगे, अच्छे से लगा लेंगे ताकि हमारे मोदक जो है वो चिपके नहीं। ये हमने लगा लिया और इसको कर देंगे बंद। अब हम इसमें से उठाएंगे थोड़ा अपना बैटर और इसके अंदर डाल देंगे। इसको दबाएंगे अच्छे से, हमने साइड से भी दबा देना। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपना ये जो ड्राई फ्रूट का हमने मिक्सचर बनाया, थोड़ा सा ये डाल देंगे इसमें और फिर इसको भी दबा देंगे। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से और अपना बैटर डालेंगे, इसको एक्स्ट्रा निकाल देंगे और बाकी का अच्छे से दबाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा साइड पे लगाओ उसको निकाल लें। इसको खोल लेंगे और देखिए कितना बढ़िया हमारा जो है मोदक तैयार हुआ है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है मोदक, बहुत ही आसान है इसे बनाना। ये देखें, इसको फिर से मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे, बंद कर देंगे और इसमें फिर से जो है अपना बैटर फिल करेंगे। इस तरह से दबाएंगे इसको सब तरफ अच्छे से, साइड पे भी दबा लेंगे, जितना आपसे दब के अंदर जाता हो उस तरह से दबा कर कर लेंगे। ड्राई फ्रूट का मिक्सचर डालेंगे इसमें और उसको भी प्रेस कर लेंगे, थोड़ा ऊपर से और डाल लेंगे और अच्छे से दबाएंगे। जो एक्स्ट्रा होगा साइड में से भी निकलता होगा उसको निकाल लेंगे, नीचे वाला भी बिल्कुल प्लेन कर लेंगे और इसको दबा देंगे, खोलेंगे और लीजिए बढ़िया सा हमारा मोदक तैयार। तो लीजिए मोदक हमारे हो गए तैयार। अब इसको थोड़ा हम करेंगे डेकोरेट। मेरे पास थोड़ा सा केसरी कलर है, वो मैं इस पर लगाऊंगी इस तरह से। टूथपिक की हेल्प से ये आसानी से जो है लग जाता है। तो सारे मोदक पर हम इस तरह से लगा देंगे, बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये जब इस पर हम केसरी रंग लगा देते हैं। इस तरह का टीका लगा देंगे इसके इसके ऊपर लगा देंगे केसर का धागा। लीजिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो लीजिए तैयार हो गए हमारे मोदक, गणपति जी के फेवरेट मोदक।
बहुत ही टेस्टी यमी बने हैं, जरूर ट्राई करें इस गणेश चतुर्थी पे। कैसे लगे आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।